नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। पिछले सप्ताह उनकी सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीएन यूएमएल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस घटनाक्रम के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का मार्ग को प्रशस्त किया गया है और उन्हीं की सरकार बनेगी। देश की 265वीं सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 59 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के लिए कम से कम 138 वोट की जरूरत थी।